हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी की ग्रुप सी की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सैलरी जो है वो लगभग मिल जाएगी 56,000 से भी ज़्यादा, यानी कि 56,000 इससे भी ज़्यादा। साथ में आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, ताकि फॉर्म फिल करने के दौरान आपको कोई भी डाउट या क्वेरी ना रहे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल पर्सनल इन इंडियन नेवी 2021। नीचे चलकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो भर्ती है ग्रुप सी की होगी, यानी कि ग्रुप सी के लिए आप इस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये टेबल देखने को मिलती है, इसमें आपको सैलरी के साथ नेम ऑफ पोस्ट, कमांड्स और वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। तो देखिए दोस्तों, हम सिंपली बात करते हैं सिविल एंड मोटर ड्राइवर यानी कि ओजी की। तो यहाँ पर आपको लेवल 2 का जो है पे स्केल होगा, यानी कि लगभग 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में जो आपका पे स्केल होगा, यानी कि इनिशियली आपको 19,900 मिलेगी, लेकिन इसके बाद आपका धीरे धीरे जो है बढ़ता बढ़ता 63,200 तक पहुँच जाएगा। कमांड्स की बात करते हैं तो साउथर्न नेवल कमांड कोच्ची में आपकी पोस्टिंग होगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जनरल की 4, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1, यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है। साथ ही दोस्तों, अगर बात करते हैं पीसीडब्ल्यू यानी कि पेस्ट कंट्रोल वर्कर की, तो यहाँ पर आपका जो पे स्केल होगा वो लेवल 1 का होगा, यानी कि 18,000 से लेकर 56,900 तक। अगर कमांड्स की बात करते हैं तो कोच्चि में और अंडमान निकोबार में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कमांड के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली है। जैसे कोच्चि की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 2 है जर्नल की है, इसी तरह टोटल 6 वैकेंसी निकली है, और साथ अंडमान निकोबार कमांड पर भी टोटल 6 वैकेंसी निकली हुई है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं एज की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी सिंपली एज जो है 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और दोस्तों, अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर आप सिविल इन मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपके पास मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस का भी ज्ञान होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास हैवी व्हीकल जो है उनका लाइसेंस होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग में। और दोस्तों, अगर आप पिस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए भरते हैं तो इसके लिए आपके पास जो है 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज होगी यानी कि आपकी जहाँ पर पोस्टिंग होगी वो बोलनी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो सिविल एंड मोटर ड्राइवर या फिर पोस्ट कंट्रोल वर्कर का जो काम होगा वो आपको यहाँ पर बताया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एसटी से या फिर एससी से, ओबीसी से, पीडब्ल्यूडी से, तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका शॉर्टलिस्ट होगा, जो इन जिन कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन लेटर डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर आप एग्जाम की स्कीम देख सकते हैं, आपसे टोटल 4 पार्ट्स में एग्जाम होगा, यानी कि जर्नल इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जर्नल अवेयरनेस और अवेयरनेस इन रेलिवेंट फील्ड, यानी कि आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे उस फील्ड के बारे में आपसे टोटल 50 नंबर का कंटेंट आपसे पूछा जाएगा, यानी कि टोटल जो 100 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा। इसके बाद आगे चलकर आपका सिलेबस दिया हुआ है जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, इसके बाद जर्नल इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस और अवेयरनेस इन रेलिवेंट फील्ड, यहाँ पर आपको सिलेबस दिया, आप पढ़ सकते हैं। डेट ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो दोस्तों, आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। इसके बाद अगर जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम क्लियर हो जाता है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके पास एक रजिस्टर्ड मेल आईडी होनी चाहिए जिस पर आपका जो है आपको इंपॉर्टेंट मैसेज आता रहे। साथ ही दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको जो ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स है यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको लेके जानी होंगी। अगर दोस्तों लास्ट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 27 अगस्त, यानी कि 27 अगस्त से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, ये पर जितने डिस्ट्रिक्ट यानी कि जितने स्टेट बताए गए, अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो आपको 7 दिन की छूट मिल जाएगी। और दोस्तों, हाउ टू अप्लाई में अगर बात करते हैं तो आपको सिंपली जो इनविलप होगा उसके बारे में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख के जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम लिखना होगा, और साथ ही कैटेगरी का नाम भी लिखना होगा। और दोस्तों, ये जो आपका इनविलप होगा ये आपको रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना है। अगर एड्रेस की बात करते हैं तो द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पोस्ट स्टाफ ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल हेडक्वार्टर साउथर्न नेवल कमांड कोच्चि 68204, ये दोस्तों आपका एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको जो अपना एप्लीकेशन लेटर है वो सेंड करना होगा। और दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन लेटर है ये आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉरम
पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये जो है बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले दो एडिशनल फोटोग्राफ होने चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ के होंगे। साथ ही दोस्तों आपके रेलिवेंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको अटैच करनी होगी। इसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सपोर्टिंग सर्टिफिकेट, इसके बाद आपके टेस्टिमोनियल्स जो होंगे एक्सपीरियंस या फिर प्रोफेंसी के, और साथ ही दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका NOC, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी फिल करते हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। और दोस्तों ये सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके बाद आपको एक इनविलप भेजना होगा जिस पर आपका सेल्फ एड्रेस लिखा होगा, जिस पर 45 रुपये की स्टाम्प लगी होगी। ये सभी आपको अपने एप्लीकेशन लेटर में उसके साथ अटैच करके भेजने होंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, जैसे सिंपली जो है ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, यानी कि आपके पास जो नेशनलिटी होगी वो इंडिया की होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है, अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखे कुछ और पॉइंट्स दिए गए, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताया गया है जो पॉइंट नंबर जी है, इसमें देखिए इसमें आपको बताया गया है कि आपका नाम, आपके DOB, आपके फादर मदर का नेम, यानी जितने भी आपके कॉलम्स हैं वे बिल्कुल आपको सही भरने हैं, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके पास एक एक्टिव मेल ID और मोबाइल नंबर होनी चाहिए ताकि डिपार्टमेंट जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। और साथ ही दोस्तों आप एग्जाम के दौरान मोबाइल या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे ब्लूटूथ इनका यूज नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। हालांकि दोस्तों इसके बाद आपको गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट के खिलाफ एक्शन के बारे में बताया गया, तो आप इसे देख सकते हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नीचे चलकर देखिए दोस्तों आपको एक मेल ID और फोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती की, अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसका जो फॉर्म है उसे फिल करते हैं। देखिए दोस्तों ये है इसका फॉर्म, हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 2 पेज है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शुरू में आपको लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी आप किसी अप्लाई पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नाम लिख रहे हैं। इसके बाद आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका नाम, इसके बाद आपके फादर का नेम दोस्तों यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी DOB लिखनी होगी, यानी कि डेट मंथ और ईयर जिस आपका जन्म हुआ था। हालांकि दोस्तों आपके जो DOB है वो डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, अगर कोई मिसमैच पाया गया तो आपके जो रिजेक्शन हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस और एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना है, अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, अदरवाइज सेम एड्रेस फिल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी होगी, फोटो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, करंट की होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जितनी भी जानकारी है ये आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है और इंग्लिश में लिखनी है, अगर आप हिंदी का यूज़ करते हैं या फिर छोटे वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और मेल ID लिखनी है, एक एक्टिव मोबाइल नंबर और वैलिड मेल ID होनी चाहिए। इसके बाद जो कलम 6 है इसमें आपको कैटेगरी बतानी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर टिक कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको आधार नंबर देने होंगे, यानी कि आपकी जो आधार डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। और दोस्तों अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको एक कॉलम फिल करना है, अदरवाइज आपको एक कॉलम फिल करने की जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों अगर जेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जेंडर क्लिक करना है, आप मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आपके नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, सेपरेटेड हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको रिलीजन बताना है, आप हिंदू, मुस्लिम या सिख जो भी हैं आप यहाँ पर अपना रिलीजन लिखेंगे। इसके बाद आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन लिखनी है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है बिल्कुल सही और सटीक होनी चाहिए, अदरवाइज अगर कोई मिसमैच पाया गया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपके क्लास का नाम लिखना है, 10th 12th या फिर BCOM जो भी आपने किया है वो। इसके बाद आपने किस बोर्ड से किया है यहाँ पर उसका नाम लिखना है, किस ईयर में पास की थी यहाँ पर लिखना है, टोटल कितने मार्क्स आए और टोटल कितना परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखना होगा, कौन से डिवीजन आपके क्लास में है तो ये आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। और दोस्तों अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही दोस्तों जो 15 नंबर कॉलम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा, यानी कि आपके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो आइडेंटिफाई कर किया जा सके तो यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी, यानी कि आपकी बॉडी पर कोई कट है या फिर कोई मोल है तो यहाँ पर उसको आपको जानकारी देनी होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी डिक्लेरेशन दी गई है, ये डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेनी है। नीचे चलकर सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपको थंब इंप्रेशन लगाना होगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको राइट थंब का इंप्रेशन यहाँ पर लगाना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको डेट और प्लेस लिखनी है। साथ ही दोस्तों ये जो है यहाँ पर एनक्लोजर्स लिखा हुआ है, यानी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उनकी सारी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। तो दोस्तों ये था आपका पूरा फॉर्म, आई होप कि आपको सभी कॉलम समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और दोस्तों इस फॉर्म को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।